अन्य कर्मचारियों के साथ बस कंडक्टर के वेतनमान में भी वृद्धि होनी चाहिए कहा पंचकुला में विधायक प्रदीप चौधरी ने कालका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप चौधरी को उनके आवास पर बुधवार को हरियाणा रोडवेज जागृति मंच के पदाधिकारी मिले उन्होंने परिचालकों की कार्य की समीक्षा के आधार पर वेतनमान कम होने से संबंधित एक मांग पत्र भी सौंपा इस दौरान उन्होंने विधायक को बताया कि हरियाणा प्रदेश का जब से गठन हुआ है हरियाणा सरकार ने समय समय पर विभिन्न पदों के सरकारी कर्मचारियों के कई पदों के योग्यताओं को बढ़ाने या अन्य दूसरे कारणों के परिणाम स्वरूप उनके वेतनमान में सम्मानजनक बढ़ोतरी की है परंतु परिचालकों के पद के कार्य की प्रकृति और जोखिम कार्यों की समीक्षा नहीं की गई जबकि प्रथम वेतन आयोग के समय परिचालक वेतनमान औरों की अपेक्षा बराबरियाँ इनसे ज़्यादा होता था इसलिए हमारा वेतनमान भी अन्य कर्मचारियों की तरह उसी तर्ज पर बढ़ना चाहिए विधायक प्रदीप चौधरी ने हरियाणा रोडवेज जागृति मंच के पदाधिकारियों की बात सुनने के बाद कहा कि इस अवसर पर मिलने पर वह विधानसभा सत्र में इस समस्या को रखने का पूरा प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है कि अन्य कर्मचारियों के साथ बस कंडक्टर के वेतनमान में भी वृद्धि होनी चाहिए इस मौके पर हरियाणा रोडवेज जागृति मंच के प्रधान राजकुमार कुलदीप शर्मा रजनीश दलाल रोहताश देवेंद्र सुशील अनिल शीशपाल संजय इत्यादि पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे